हेलो गाइस, मेरा नाम है मिस्टर डिपॉल। आप देख रहे हैं मिस्टर डिपॉल गेमिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे कौन है माइनक्राफ्ट के वीडियो में। तो आज हम लोग बनाना सीखने वाले हैं एक्सपी फार्म। इसे बनाना बहुत ही आसान है, ऐसा तो देख के आप समझ ही सकते हैं कि एक्सपी फार्म पे वीडियो है। तो एक्सपी बहुत जल्दी और आसानी से मिल सकते हैं। तो ये आप लोग देख ही सकते हैं लूट। तो रुके, पहले मैं फ्रंट कैमरा कर लूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ लूट। ये मैंने कुछ ही देर एफके किया था और मुझे इतने सारे लूट मिले। तो आप लोग देख ही सकते हैं और मॉब भी है वहाँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने उतना हार नहीं। इसे बनाने के लिए आप लोगों को कुछ कॉबल स्टोन स्लैब्स और उसके स्लैब्स ले लेते हैं। उसके बाद कुछ क्या बोलते हैं कॉबल स्टोन्स या कोई भी फुल ब्लॉक जिसका आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। कॉबल स्टोन्स ईजिली मिल सकते हैं क्योंकि मैंने उस पर एक वीडियो बना सकी और मैंने कॉबल स्टोन जनरेटर। उसके अलावा वाटर बकेट। तो वाटर बकेट लेने के बाद आप लोगों को लगेंगे कुछ चेस्ट, जैसे कि आप देख ही सकते हैं मैक्सिमम दो चेस्ट ही लगेंगे। उसके अलावा आप लोगों को लगेंगे कुछ हॉपर्स। हॉपर्स लेने के बाद आप लोगों को मैं टॉर्चेस लेने होंगे कुछ, जैसे कि उसके आसपास में लगा दें कोई मॉब स्पॉन ना हो, जिससे एक्सपी फार्म के मॉब स्पॉन होने के लिए ज़्यादा बढ़ जाए। जैसे आप करना होगा मैं दिखा दूँगा आप लोगों को बाद में कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले इसमें दिखा दूँ कि मॉब्स को आप वन हिट किल भी कर सकते हैं, क्योंकि 20 ब्लॉक्स का हाई से गिरेंगे तो इनको आप वन हिट किल में ही मार सकते हैं। हैंड से नहीं, आप लोग कोई वेपन्स यूज करना होंगे, जैसे कोई भी शॉट हो जाए, वुडन का शॉट भी काफ़ी है। पर अगर आप लोग एक्सपी फार्म बनाए तो मतलब आप लोगों के पास आयरन के टूल्स या डायमंड्स के टूल्स तो होंगे ही। तो देख लीजिए आप लोग, ये वो लोग वन हिट किल हो रहे हैं। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो साला, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। और बढ़ गई, तो चलिए बना के दिखाता हूँ आप लोग एक एक्सपी फार्म। तो मैं दिन कर लेता हूँ, फिर आप लोग से मिलता हूँ। ये दिन हो चुका है, आपको अच्छी सी जगह खोज रहा हूँ जहाँ पे आप लोगों को मैं एक्सपी फार्म बना के दिखा दूँ। तो आप लोगों को कॉबल स्टोन को कुछ इस मैनर में प्लेस करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। ऐसे करके आप लोगों को बीच में चार ब्लॉक्स का गैप होना, दो टू बाई टू ब्लॉक्स का, जैसे कि मैं करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। एक ऐसे 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 फिर ऐसे फिर ऐसे, बीच में चार ब्लॉक्स का गैप हो गया। आप लोग कॉर्नर्स के ब्लॉक्स को तोड़ सकते हैं जिससे आप लोगों के कम कॉबल स्टोन खर्च होंगे और उसके अलावा आप लोगों के एक्सपी फार्म को एक अच्छा सा लुक भी मिल जाएगा, जिससे आप लोग सोच ही सकते हैं कि कम चीज़ में ज़्यादा मुनाफा। लुक के साथ ही आपको ये भी अब आप लोग को इसको फोर ब्लॉक्स ऊपर तक एक्सटेंड करना है कुछ ऐसे। ये एक दो हर साइड के लिए चार ब्लॉक्स पहले ऊपर एक्सटेंड कर लें, तो ऐसे दो हो गए, तीन, ये भी तीन हो गए, तीन और इधर भी तीन। तो ये चौथा ब्लॉक है, ये चौथा ब्लॉक होने वाले हैं सब के लिए और ये कंप्लीट। तो चौथा ब्लॉक जैसे कंप्लीट होगा आप लोग नीचे आना है, यहाँ सेकंड ब्लॉक को आप लोग पूरा तोड़ देना है हर साइड के लिए, एक गैप मिल जाए जहाँ से आप मॉब्स को किल कर सकें। तो गैप करने के बाद आप लोगों को जहाँ चेस्ट प्लेस करना है वहाँ के दो ब्लॉक को तोड़ देना है कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पे आप लोगों को चेस्ट प्लेस करनी है, उसके अलावा आप चेस्ट के पीछे वाले दोनों ब्लॉक्स हैं उन दोनों ब्लॉक्स को तोड़ना है आप लोगों को कुछ ऐसे, क्योंकि आप हॉपर प्लेस कर सकें आसानी से। हॉपर चेस्ट से कनेक्ट होना चाहिए ये आप लोगों को ध्यान देना है। चारों वापस कनेक्ट करने के बाद आप लोग वो दोनों ब्लॉक्स को आपस लगा देना जो बैक साइड में है। तो लगाने के बाद फिर आप लोगों को ऊपर आना है और कुछ इस तरीके से तो वो ब्लॉक्स प्लेस करने हैं 20 ब्लॉक्स हाइट तक, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। अभी ऐसे करके आप लोगों को हर साइड क्लिक करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। तो अभी करने के बाद मैं आप लोगों से डायरेक्ट ऊपर मिलता हूँ। एक बार ये कुछ इस तरीके का दिखेगा और आप लोगों को फिर ये देख लेना है कि ये सब साइड से ब्लॉक अटैच हैं किसी से। हाँ, तो ऐसे देखने के बाद आप लोगों का अब यहाँ से क्रॉस होकर यहाँ 9 ब्लॉक का एक्सटेंड करना है। एक ब्लॉक वो हो गया, दो हो गए, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा और ये सात, आठ और नाइन, 9 ब्लॉक्स हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब 9th ब्लॉक पे आप लोगों को ऐसे करके दो ब्लॉक्स प्लेस करने हैं, टू ब्लॉक हाई। अब कॉर्नर से आप लोगों को ऐसे करके
वहाँ तक सेंटर से एक ब्लॉक जस्ट आगे रोकना है। जैसे मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ कुछ इस प्रकार से। आपको चीज़ इस साइड में क्लिक करनी है, सेम जाकर आप लोगों को रोकना है इसको दोबारा उसी जगह पर। जैसे कर रहा हूँ देखिए, आप ये कर लिया मैंने। और इसके बाद आप लोग अगर चेक करना है कि ये सही से है कि नहीं, तो आप लोग यहाँ पर कोने में वाटर प्लेस कर सकते हैं, जिसे एक वाटर यहाँ साइड तक आए दूसरा में गैप रह जाए। तो उसके बाद आप इसको बंद कर लिया। चेक होने के बाद अभी आपको हर साइड के लिए ऐसे बिल करना है। तो इसके लिए पहले मैं बाहर साइड बिल कर लेता हूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ। तो बिल होने के बाद कुछ इस प्रकार का दिखेगा। आप लोगों को फिर इसके यहाँ कॉर्नर्स पर आना है और इसको दोनों कॉर्नर्स पर अटैच करना है, इन दोनों साइड से इस तरह से एलिमेंट। ठीक है, हाँ, आप लोगों को ये भी ध्यान देना कि आप गिरे ना, क्राउच करके रहें उस वक्त। इसको आपको इस साइड से ऐसे करके अटैच कर देना है हर साइड के लिए। जैसे करके दिखा देता हूँ आप लोगों को फुल साइड। ये होने ही वाला है, ये दो ब्लॉक्स यहाँ, एक और ये दो। हाँ, ऐसे करके आप लोगों को हर साइड अटैच करना है। इसको मैं कंप्लीट करके आप लोगों से मिलता हूँ मैं। तो कंप्लीट होने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप लोगों को इसके मिडिल ब्लॉक पर दो ब्लॉक और हर साइड से तीन ब्लॉक हाई, मतलब कि दो ब्लॉक का ऐसा रहना चाहिए कि मॉब्स स्पॉन हो सकें, क्योंकि मॉब्स की हाइट टू ब्लॉक्स की होती है। जैसे मैं आप लोगों को करके ही दिखा देता हूँ, तो आप लोग आसानी से समझ सकोगे। जैसे मैं यहाँ जाता हूँ, इस साइड स्टार्ट करता हूँ। हाँ, ये रहा पहला ब्लॉक हो गया ये, और ये आप लोगों के लिए दूसरा ब्लॉक हो गया ये दो, और ये अभी यहाँ पे, अरे हाँ, दो ब्लॉक हो गए और ये तीन ब्लॉक। ऐसे करके आप लोगों को तीन ब्लॉक हाई करने हैं। ये पे आप लोगों को रूफ बनानी होगी इस अच्छी फार्म की, तो उसको बनाने उतना हार्ड है नहीं, तो सीक्वेंस में बनी जाएगा। पहले इस वॉल को क्रिएट कर लें जो हर साइड के लिए बनेगी। तो ये ऐसे करके आप लोगों को हर साइड तक के लिए जाना है। इसको पूरे साइड फैलाने के बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ। तो पूरे सेट करने के बाद कुछ इस तरीके का दिखेगा। आप लोग देख ही सकते हैं कि इसके आपको कॉर्नर्स पे जाना है, फिर ऐसे करके आप लोगों को जगह बनाना है कि जहाँ पे आप इन्फाइनाइट वाटर सोर्स बना सकें। तो आप उतने वाटर बकेट तो साथ में ला नहीं सकेंगे। इन्फाइनाइट वाटर सोर्स जिनको बनाना नहीं आता, वो एक कॉर्नर पर प्लेस करें और उसके अपोजिट साइड में एक बकेट प्लेस करें, जिससे आपका इन्फाइनाइट वाटर सोर्स रेडी हो जाएगा। और इसको बनाने के बाद आपको यहाँ से वाटर लेना है। आप लोगों को यहाँ जाके यहाँ पे एक वाटर बकेट प्लेस करना है, यहाँ एक वाटर बकेट प्लेस करना है, और फिर ऐसे करके आप लोगों को हर साइड के लिए रिपीट करना है। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, इससे आप लोगों का ये एक मिडिल ब्लॉक तक आके रुक जा रहा है। वहाँ से ज़ॉम्बी नीचे डायरेक्ट जाएंगे, जिनकी वजह से उनको डैमेज मिलेगा। आप उन लोगों को फिर वन हिट किल आराम से कर सकते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को करके दिखाई दिया है। तो इसको कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को वाटर सोर्स को बंद कर देना है, जिससे आप लोगों को अंदर में कोई वाटर या कोई जगह ना रहे जहाँ पे मॉब्स स्पॉन ना हो पाए। ऐसे तो मॉब्स को हर जगह पर स्पॉन होना है, तो आप लोगों को उसके लिए जगह तो रखना ही पड़ेगा। तो जगह रखने के लिए आप लोगों को ऐसा करना ही है। इसका हम लोग रूफ बनाना चालू करते हैं। जैसे मैं कर रहा हूँ आप लोगों को उसी प्रकार से रिपीट करना हर साइड के लिए। मतलब आप लोग ऐसे करके फुल एरिया को कवर कर देना है। ऐसे टॉप वाले पे आप लोगों को ये फुल ब्लॉक लगाना है। आप लोगों को याद रखना है कि स्लैब यूज़ नहीं करने हैं। अगर स्लैब यूज़ करेंगे तो लाइट पास होगी, जिससे मॉब स्पॉन नहीं हो पाएंगे। फुल ब्लॉक का इस्तेमाल इसलिए क्योंकि उससे लाइट पास नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से मॉब स्पॉन हो सकेंगे, वहाँ पर लाइट लेवल जीरो हो जाएगा। तो आप लोग देख ही सकते हैं आप लोगों को इस तरीके से करनी है। ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो मैं इसे स्किप कर देता हूँ और फिर आप लोगों को इसको कंप्लीट करके मिलता हूँ। पर ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। फिर आप लोगों को ये ध्यान देना है कि आप लोगों को इसके ऊपर टॉर्चेस भी प्लेस करने हैं। तो उससे पहले आप लोगों को अगर इस पर कुछ डेकोरेशन टाइप करना है, तो आप लोग वो कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस प्रकार का दिखेगा। तो आप लोगों को इसके हर कॉर्नर पे इस तरीके से ब्लॉक्स प्लेस कर सकते हैं, जिससे ये थोड़ा दूर से ही आप लोगों को विजिबल रहे और बहुत अट्रैक्टिव लुक दे सकता है। मैं हर अपने एक्सपी फार्म में करता ही हूँ, तो इसको आपको हर पे टॉर्चेस भी लगा देना, जिससे ये और कूल दिखेगा। जैसे कि आप देख सकते हो उस एक्सपी फार्म पर भी मैंने ऐसे ही किया है। तो ये हर साइड आप लोगों को करना है। फिर आप लोगों को ये भी ध्यान देना है कि बीच में भी कहीं पर ये आप लोगों को डार्कनेस ना दिखे। डार्कनेस आ रहेगा तो वहाँ पर मॉब स्पॉन हो गए इसके ऊपर, तो
अंदर स्पॉन रेट घट जाएगी आपकी। तो आप लोगों को ये ध्यान देना है कि ऊपर में आप लोगों को लाइट एकदम एग्जैक्ट लगाई देनी है जिससे मॉब स्पॉन ना हो सके। ये रात का टाइम सही है एकदम आप लोगों को टॉर्चेस प्लेस करने के लिए, तो इससे आप लोगों को आसानी से पता चल सकता है कि कहाँ पर डार्क है। तो आप लोगों को सब कुछ कंप्लीट करना ही है, मैं करके दिखाई दे रहा हूँ आप लोगों को। लाइट्स टॉर्चेस को आपको रैंडमली प्लेस कर सकते हैं, वो आपका मन है। आप ये नहीं कि जैसे सीक्वेंस में मैं कर रहा हूँ उसी में आपको करना है, आप उसको अपने मन के हिसाब से कर सकते हैं कि जहाँ आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ थोड़ा डार्क है तो यहाँ प्लेस कर दें। उस तरीके से आप भी कर सकते हैं, जैसे मैंने कर दिया है हर साइड के लिए। अब आप लोगों से डायरेक्ट नीचे में आने के बाद आप लोगों को जहाँ कॉर्नर्स पर आप लोगों ने ऐसे गैप छोड़े थे वहाँ पर आप लोगों को टॉर्चेस से फिल कर देने हैं, क्योंकि वो एरिया बहुत डार्क रहेगा। उसके ऊपर में आप लोग देख ही सकते हैं कि एक इस तरीके के मॉब्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पॉन होते हैं। तो आप लोगों को ये भी ध्यान देना कि नीचे भी आप लोगों को टॉर्चेस बहुत अच्छे से प्लेस कर देने हैं। सबसे पहले तो मैं दिन कर लेता हूँ जिससे इन लोग जल के मर सकें, तो उसके बाद टॉर्चेस प्लेस कर देता हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ पर शैडो आएंगी इसलिए आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोग यहाँ टॉर्चेस कभी प्लेस कर सकते हैं। तो ये ध्यान देना है कि आप लोगों को नीचे मॉब स्पॉन ना होने दें या उसके आसपास भी मॉब स्पॉन ना हो जिससे उसकी मॉब स्पॉनिंग रेट घट जाए ऐसे काम की। तो आप लोग ऐसे रैंडमली यहाँ पे भी आप लोग टॉर्चेस प्लेस कर दें, टॉर्चेस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो आप लोगों को कम से कम 1 stack टॉर्चेस आपके साथ रखनी ही होंगी मिनिमम। आप लोगों को उससे ज़्यादा टॉर्चेस भी लग सकती है, अगर आप लोग चाहें तो इसके आसपास के 10 blocks 20 blocks तक आप लोग ऐसे कर दें कि मॉब स्पॉन इसके आसपास ना हो। इसे मैं आप लोगों को करके दिखाई दे रहा हूँ, देख लीजिए। यहाँ पर ऐसे करने के बाद भी मॉब्स यहाँ पर बहुत फ्रीली घूम रहे हैं, तो मैं इन लोग को आप लोग के लिए किल करके दिखाता हूँ। तो आप लोग देख ही सकते हैं मैं इन लोग को मारने वाला हूँ। म्यूजिक देख सकते हैं अंदर में भी मॉब्स स्पॉन होने चालू हो गए हैं। पहले दो स्केलेटन्स आए हैं तो मैं इन दोनों को मार के आप लोगों को दिखा देता हूँ कि क्या लूट मिल रही है। देखिए इससे लूट और एक्सपी दोनों आप लोगों को फायदे होंगे। तो आप लोगों को ये अच्छे से रात में ही और अच्छे काम करेंगे, तो आप लोगों को इसको नाइट में यूज़ करना है। और साथ में आप लोगों को ये भी ध्यान देना है कि आप लोग इससे ज़्यादा दूर ना जाएं, ज़्यादा दूर जाएंगे तो ये आप लोग का काम करने का इसका रेट घट जाएगा। आप लोगों को इसके एक क्या बोल सकते हैं एक चंक में रहना होगा, जिस चंक में आप इतने इसको बनाए उस चंक में अगर आप रहें तो इस पर मॉब स्पॉनिंग और स्पीड होगी। तो जैसे मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ कि चेस में इस फॉर्म में मैंने जो मॉब्स को मारा है उनके लूट कैप मिली थी। तो जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं इसमें भी मुझे बहुत अच्छी अच्छी लूट मिली थी और एक्सपी भी बहुत अच्छे से आ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी काम करी आप लोग समझ सकते हैं। इससे एक बहुत ही ज़रूरी काम भूल गया था, आप लोगों को ये स्लैब्स का इस्तेमाल करना है। इसके यहाँ हर कॉर्नर्स पर आप लोगों को स्लैब लगाना है नीचे में, जिससे कोई स्पाइडर या बेबी ज़ॉम्बी आप लोग पे अटैक ना कर सके। स्पाइडर तो आप लोग जानते हैं कि एक ब्लॉक के गैप से ही बाहर आ सकते हैं, तो आप लोगों को ये ध्यान देना है कि वो स्लैब्स का आप इस्तेमाल सही से कर लें। तो पसंद आए तो वीडियो कीजिएगा लाइक और चैनल पर नहीं है तो चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।